हम चलती रोड भी क्रॉस कर लेंगे। ये देखिए हम वियतनाम की रोड क्रॉस करते हुए, नहीं रुक रही गाड़ियाँ तो कोई बात नहीं है, हम नहीं रुकने वाले। सो सर ने हमारे को $65 में जो बुकिंग दी है उसमें कायाकिंग और अब यहाँ से हनोई से अलोंग विद जाने और आने की पूरी बुकिंग दी है। और आप भी आए तो इनसे सर से बुकिंग करा सकते हैं। ये शॉप का एड्रेस है, दिस इज़ एड्रेस ऑफ शॉप, एंड मैं ये एड्रेस आपको वीडियो में मेंशन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मेरी वियतनाम जर्नी का तीसरा दिन है और आज हम फुकोक आइलैंड से जा रहे हैं वियतनाम की कैपिटल हनोई। फ्लाइट में बोर्डिंग हो चुका है और 2 घंटे में हम वियतनाम की कैपिटल हनोई पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे हनोई पहुंच के। वो क्यों आ रही है? बैग ले लिया है। ठीक है, हनोई का एयरपोर्ट थोड़ा अच्छा है कम्पेयर टू फुकोक, बिकॉज द कैपिटल है वियतनाम का और ये नॉर्दर्न रीजन में आता है वियतनाम के। और यहाँ थोड़ा सा मुझे हल्का था एज़ कम्पेयर टू फुकोक, तो थोड़ा ठंडा फील हो रहा है कि वहाँ बहुत हीमट था। तो एयरपोर्ट से अभी बाहर निकल रहे हैं, ग्रैब ऐप के थ्रू हम अपनी टैक्सी बुक करते हैं जो हमने होटल बुक किया है वहाँ के लिए। तो एग्ज़िट करते हैं यहाँ से, बस एयरपोर्ट से सिर्फ हार्डली 100 मीटर बाहर आए टोल पड़ता है, फिर इनको कुछ देना पड़ रहा है। अपने देखिए वहाँ पे दे रहे हैं, पे कर रहे हैं कार वाले कुछ ना कुछ। देखो 300 डोंग, 13 डोंग का कुछ देना पड़ रहा है इनको, 13,000 डोंग के आसपास तक उसका टोल वोल। तो ये टोल प्लाजा टाइप का है, सो इस टोल प्लाजा को जैसे ही आप क्रॉस कर लेंगे तो आपके टैक्सी के रेट बहुत कम हो जाएंगे। फर्स्ट आई विल चेक ऑन ग्रैब, ग्रैब में क्या दिखा रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं यहाँ से। आगे बैठ जाऊं क्या? तो सर ने हमको पिकअप कर लिया है यहाँ से। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इस कंट्री में आने के बाद यहाँ जो लोकल टैक्सीज की जो शीशे हैं, अगर आप देखेंगे मिरर्स वगैरह, तो ब्लैक दे रखे हैं। वैसे इंडिया में ये सब बैन होता है। और गाड़ियाँ यहाँ की बहुत लग्जरी हैं और टैक्सीज हमें ये पड़ रहा है 3 लाख डोंग, तो हमें आई थिंक 900 रुपये का पड़ गया ना प्रशांत? तो हमें ये 900 रुपये की टैक्सी पड़ गई, ऑलमोस्ट लमसम इतना ही हमें ग्रैब से पड़ रहा था, हमें पड़ रहा था ग्रैब से 1,000 के आसपास का, और 100 रुपये हमारे कम हो गए हमने अगर टोल क्रॉस कर लिया। यू से दिस मॉडल इज गुड बट नाउ इन वियतनाम इट्स नॉट गुड, वियतनाम नॉट गुड, इंडिया गुड, दिस का इंडिया को किंग। ओके ओके ओके, तो सर बता रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया की बहुत अच्छी तारीफ हुई है। सर ने अभी बताया कि उनका जो 17 ईयर मॉडल है ये हुंडई का, तो ये इंडिया से आया गया, और कहते हैं कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू वियतनाम में जो कार बनती हैं। तो ये सुनकर थोड़ा प्राउड फील होता है कि चलो इंडिया का कितना सारा सामान है, इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है इतनी सारी चीज़ों को अदर कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में और यूरोप में भी करता है बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा एक्चुअली इंडिया और वियतनाम के बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स भी हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। बहुत सारी बातें हैं तो सारी एक साथ नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन हाँ ये सर ने मुझे कुछ बताया कि उनकी गाड़ी इंडिया से आई है 2017 मॉडल, तो मैंने कहा ये आपके साथ शेयर करना बनता है। ये नेटन ब्रिज है, जब आप हनोई एयरपोर्ट से हनोई सिटी की तरफ जाते हैं तो इसी ब्रिज की हेल्प से आप रेड रिवर को क्रॉस कर हनोई सिटी में एंटर करते हैं। नाइट में कलरफुल लाइट्स के साथ ये ब्रिज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, तो इस ड्रोन शूट्स के भी आप व्यू के मज़े लीजिए इस वीडियो में। तो पहुंच चुके हम ओल्ड स्ट्रीट हनोई पर ही, ये होटल है। तो मुझे पड़ा है 2500 रुपीज़ में 2 डेज के लिए। तो अभी हमारा चेक इन होगा, रिसेप्शन ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है यहाँ का। बुकिंग बाय नेम दीपक ग्रोवर फॉर टुडे एंड टुमारो, 2 डेज बुकिंग। ओके, ये कुछ इस तरीके का देखिए रूम है सर, हमारे गेट से हमने एंटर किया था, और यहाँ सामने एक मिरर लगा हुआ है अच्छा खासा हाफ मिरर, इसमें आप थोड़ा पीछे आएंगे तो अपने आप को देख सकते हैं अच्छा खासा रेडी होके। यहाँ पर इन्होंने एक लॉकर दिया है, तो अगर आपको नहाना है तो ये पूरा
एक रूम बना रखा है छोटा सा, वॉशिंग आप बोलते थे, ग्लास डोर है, टीवी लगा रखा है, ड्रॉअर है, चेयर है, फ्रिज है, तो फ्रिज में कुछ ना कुछ होगा। अभी तो कुछ नहीं दे रखा फ्रिज में एक्चुअली। हलवाई थोड़ा सा कॉस्टली है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर आपको ब्रेकफास्ट चाहिए इंक्लूडेड। वैसे मैं कहूँगा ब्रेकफास्ट आप ना लीजिए, बिकॉज ऑलमोस्ट ज़्यादातर उसमें नॉन वेज ही होते हैं, वेजिटेरियन या सी फूड्स होगा, तो आपको फ्रूट्स और जूस ही मिलेगा। तो ऑलमोस्ट आप 200-300 एक्स्ट्रा पे करेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। तो आप पे ना करें, आप खुद से मॉर्निंग में एक्सप्लोर करें स्ट्रीट्स को, फ्रूट्स और जूस। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जो फ्रूट्स एंड जूस दे देती है मॉर्निंग में हनोई में। तो बस चलते हैं थोड़ी देर में हनोई ओल्ड स्ट्रीट को एक्सप्लोर करने, और यहाँ पे हम सबसे पहले अपना डीजे का स्टोर देखेंगे जहाँ से मुझे ड्रोन लेना है। तो बस चलते हैं, फ्रेश होते हैं, मिलते हैं आपसे हनोई ओल्ड स्ट्रीट की रोड्स पे। बाय बाय। तो अभी हम निकल रहे हैं, तो अभी हम बाहर आ गए अपने होटल के। ये ओल्ड स्ट्रीट रोड है, तो यहाँ पर देखेंगे आपको इस तरीके का कुछ नज़ारे देखेंगे सड़कों पे। यहाँ पर जो लोकल लोग हैं ज़्यादातर वियतनामी हैट पहनकर ही, कैप पहनकर आप बोल सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा सामान सेल कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से देखिए साइकिल पर आंटी जी बेच रही हैं सामान। ये अंगूर हैं, संतरे हैं, आम हैं, ये इस तरीके से सेल होता है यहाँ पर। तो रेंटल एक्टिवा हम देखते हैं क्या सीन है, क्या प्राइजेज है, और हाफ डे में हमें देते हैं नहीं देते। तो आज के लिए हमें सिर्फ चाहिए। हाय सर, सर हेलो सर, वी नीड फॉर हाफ डे फॉर टुडे इवनिंग टिल इवनिंग। हाउ मच फॉर हाफ डे? बाकी व्हाट्स लोकल, वी नीड टू एक्सप्लोर लोकल हनोई। ओह, आई एम सो सॉरी, टुडे वी डोंट हैव मोर बाइक टुडे। आई एम सो, नो वन, एनी अदर शॉप? अदर शॉप यस, यू कैन गो टू 17। तो भैया हमारी हेल्प कर रहे हैं, इनके पास आज एक्टिवा जो है रेंटल नहीं है, कहते हैं कोई अवेलेबल, तो बट ये हमें कोई बता रहे हैं लोकेशन, वहाँ भेज रहे हैं। रास्ते में हमें कहीं और भी मिलेगा तो उनसे पता करते हुए चलेंगे, बट आई थिंक इनका कोई शॉप है या क्या है। वॉकिंग इज़ अ 750 मीटर। थैंक्स थैंक्स। तो यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रीट फूड के लिए लोग खड़े हैं जो इस तरीके से यहाँ पर खाते पीते होंगे। No. Hello. How are you? Fine. तो बाकी यहाँ पर मुझे लोकल्स ज़्यादा दिख रहे हैं जो इस तरीके से स्ट्रीट पर ही बहुत सारा अलग तरह का फूड बेचते हैं जो वियतनामी फूड होता है। हम एक्टिवा इसलिए ले रहे हैं कि हम फास्टली, हाफ डे है हमारे पास, ऑलमोस्ट 3-4 बज गए, अंधेरा हो जाएगा, तो हम 3-4 घंटे में 3-4 लोकेशन बाइक पे होंगे तो इजीली कवर कर लेंगे। मैं बस इसलिए एक्टिवा ले रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ रश नहीं है कि आपको जल्दी जल्दी करना है, तो पहले मैं क्रूज बुक करना प्रेफर करूँगा अगर हमें एक्टिवा नहीं मिलती है तो। बस अभी चलते हैं, देखो लकीली मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। हमने बहुत सारे क्रूज शॉप पे गए हैं, हमने बहुत सारे क्रूज देखे, बट हमको सर मिले हैं, इनका अपना क्रूज है, इट्स अ क्रूज, नेम इज स्टेला मरीस, स्टेला मरीस क्रूज, तो 5-star क्रूज है। सो सर ने हमारे को $65 में जो बुकिंग दी है उसमें कायाकिंग और अप यहाँ से हनोई से अलोंग विद जाने और आने की पूरी बुकिंग दी है, और आप भी आए तो इनसे सर से बुकिंग करा सकते हैं। ये शॉप का एड्रेस है, दिस इज़ एड्रेस ऑफ शॉप, एंड मैं ये एड्रेस आपको वीडियो में मेंशन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप यहाँ से बुक करा सकते हैं। तो ये सामने आप जो क्रूज़ देख रहे हैं मैं इसकी फ़ोटो आप डाल दूंगा, ये वाला क्रूज़ है, दिस क्रूज़। सो जो आप लोग आएंगे तो सर से बुकिंग करा सकते हैं। सो इट विल हेल्पफुल फॉर यू। ओके, थैंक यू, हैव अ या सी यू, होप सी यू सून। Yeah, sure. In our next year, we will come again. Yeah. Okay, bye. Bye, bye. अब जब चलते हैं ड्रोन की शॉपिंग करने के लिए DJI स्टोर पर, यहाँ के आसपास ही हम गूगल मैप लगाते हैं और वहाँ पहुँचते हैं बाय वॉक। तो 3 गर्ल्स हैं यहाँ पर जो वर्किंग करती हैं, मेरे ख्याल से बॉयज़ भी हैं, बट बॉयज़ मुझे इतना नहीं दिखते इतना, यहाँ पर मुझे गर्ल्स काम कर रही। अब तुम घुस जाओ, हम देखो इंडियंस हैं, हम चलती रोड भी क्रॉस कर लेंगे। ये देखिए हम वियतनाम की रोड क्रॉस करते हुए, नहीं रुक रही गाड़ियाँ तो कोई बात नहीं है, हम नहीं रुकने वाले। अब ये देखिए सामने पहुँच गए फाइनली हम अपने DJI स्टोर पर। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हमारा DJI Mavic Mini अगर हमें मिलता है तो हम यहाँ से आज उसे बाय करने वाले हैं। ये देखिए सारे के सारे ड्रोन्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इस तरीके से, देखिए सबसे बेस्ट हमें मिल गया हमारा DJI Mini 3 Pro। वो अभी मैंने फाइनल कर लिया है DJI Mavic Mini Pro दिस वन, तो 76,000 में मेरा DJI Mavic Mini मुझे मिल रहा है प्रो।
अगर आप भी वियतनाम से ड्रोन बाय करना चाहते हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक कर सेपरेट पूरी ड्रोन बाय करने की वीडियो आप देख सकते हैं। और अब हम यहाँ से चलते हैं ड्रोन बाय कर कुछ खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें इंडियन फूड्स की तलाश भी करनी है। और हमें यहाँ मिल गया है एक जायका नाम का रेस्टोरेंट, जो कि एक इंडियन रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे आपको वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों फूड मिल जाएगा। और ऊपर जाकर यहाँ पर एक कैफ़े भी है, यहाँ पर आप ऊपर ड्रिंक्स वगैरह कर सकते हैं। तो नीचे अभी हम बैठे हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर हमने डिनर किया और इस तरीके से इंडियन फूड्स यहाँ पर हमें सर्व किया गया। तो फूड बहुत अच्छा है, आप भी आए तो यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं हनोई में जायका रेस्टोरेंट के अंदर। मिलते हैं आपसे वियतनाम सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में, और आपको दिखाते हैं वियतनाम का सबसे खूबसूरत प्लेस जो 7 नेचुरल वंडर्स में भी आता है। और एक बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप अपनी वियतनाम जर्नी प्लान कर रहे हैं तो आप मेरी इटनरी को फॉलो कर सकते हैं, मेरी इटनरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप भी मेरी तरह चीपेस्ट एंड लग्जीरियस अपनी वियतनाम जर्नी प्लान कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी एंड सेफ जर्नी। बाय बाय।